पहले तो बॉम्बे टाइम्स, आपली मुंबई, त्या शहनाज म्हणजे आपली शहनाज, क्योंकि वो कनेक्शन है ना हमारा बिग बॉस वाला, तो एक अच्छा भी लगता है कि यार इतनी ग्रो कर रही है और अपनी बॉम्बे टाइम्स में, और मज़ा आ गया उसे देख के। और मेन केन के लिए आया था मैं, सच्ची कहूँ तो केन के साथ जस्ट 4-5 डेज पहले मैंने एक शूट किया था और उसके आउटफिट एक नंबर। आपला भाषण पहले आपने मुझे ब्यूटीफुल बोला तो वो थैंक यू सो मच, लव यू। और मेरी टीम है, और मेरी टीम हर वक्त कुछ ट्राई करती है, और हम लोग तो जीन्स और टी शर्ट वाले हैं, बट ट्राई करते कि अगर कहीं पे जाते हैं तो नई नई चीज़ें ट्राई करने के लिए। तो मेरी टीम ने किया हुआ है, पूर्वा जो डिज़ाइनर है दिल्ली से, उन्होंने किया है। सो थैंक यू, और आप लोगों को धन्यवाद, लव यू। पापा आपको खुश रखे, हेल्दी रखे। केन को मैं जानती हूँ जब मैं कॉलेज में थी और वो कॉलेज में पढ़ रहा था, और तब मैंने मॉडलिंग शुरू नहीं की थी एंड ही वाज नॉट अ डिज़ाइनर। उसके बाद आई मीन नो सीइंग केन, इतना आई मीन द प्रिंट्स वर फैंटाब्यूलस, द एवरीथिंग वाज फैंटाब्यूलस, आई मीन द होल बॉक्सेस एंड द विग व्हिच वाज शिमरिंग ऑल थ्रू आउट, आई थिंक इट वाज फैंटास्टिक। सो या, सो द थिंग इज आई जस्ट टोल्ड केन, मैं वही बैक स्टेज जाके बोला, आई सेड लिसन देयर आर टू मेनी थिंग्स आई वांट टू मेक इन माय साइज, Shehnaz is always a, she's a treat. So yeah, all the best to everyone. Thank you. Thank you. मेरी थीम छोड़ो, मैं तो थीम करते रहता हूँ, शोज करते रहता हूँ। आप सना से पूछो, मेरे ऊपर क्यों डाल रहा है, खुद बोल। It's always a great experience doing a show. Outfit में बहुत सारे colors हैं, ठीक है, मतलब मुझे तो feeling wild वाली आ रही है। I don't know if it is wild. ना? Yeah. But मैं कुछ भी डालती हूँ तो मैं cute लगती हूँ, तो वो मुझे लगता है best चीज़ है मेरी। तो कपड़े मुझे कैन पे भरोसा था, एंड कैन जो वाइब देता है कलरफुल, तो मुझे लगता है ये वही सिग्नल देता है कि हमें सबको कलरफुल हैप्पी ऐसे रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। तो ये कपड़ों में यही है, यही प्रेजेंट कर रही हूँ। पता है जब मुझे बार बार ये पूछा जाता है ना कि कैसी फीलिंग रही, कैसी फीलिंग, सेम क्वेश्चन, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड मैं अपने फ्रेंड के लिए वॉक किया, पहले भी किया था मैंने एक बार, एंड मुझे इसने एक बार पूछा कि मैं दोबारा करना चाहता हूँ, मैंने कहा प्लीज़ प्लीज़ मैं ही करूँगी। एंड मुझे लर्निंग एक्सपीरियंस मिलता है जब मैं रैंप वॉक करती हूँ, सो मेरे लिए एक एक्सपीरियंस, लर्निंग एक्सपीरियंस। आज की सिचुएशन अच्छी थी, मैं थोड़ी टायर्ड थी, बट जब मैं तैयार हुई मुझे अच्छी फीलिंग आई, एंड मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आई, एंड मैंने रॉक कर दिया। ईद मुबारक एवरीवन, ईद मुबारक, एंड मज़े करो, एंड अपने जितने भी गिले शिकवे किसी के साथ वो सारे ख़त्म कर दो, एंड इन्जॉय करो ये।